नमस्कार, मैं हूं अग्नि चौधरी और आप देख रहे हैं हर प्रकाश टीवी। जैसे कि आपको पता है चंडीगढ़ में नगर निगम का सरगर्मियां शुरू हो गई है, तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 27 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो वही 9 दिसंबर को विड्रॉल डेट है, तो 24 दिसंबर को मतदान होना है। इसी के साथ आपको बता दें हम आज प्रकाश पे लाइव एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है बात चुनाव की सोच आपकी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पार्षद और आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम 33 वोट के बड़ैल में की बात करेंगे जो इस बार चुनाव में भी खड़ी होंगी। सर, हम बात करेंगे बीजेपी के कन्वर जी से। आप बीजेपी पार्टी से हैं, आपने बड़ैल में क्या क्या कार्य कराए, जो आपने मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें कितना कार्य कर पाया? मैडम, हमने अपनी डिफरेंट ऑप्शन के लिए आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर हमारे कोई 16 करोड़ 80 लाख रुपए के काम हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने 6 नवंबर को हमारे शहर की एमपी के क्षेत्रीय के बर्थडे उद्घाटन किया, नीव पत्थर रखा कम्युनिटी सेंटर का, और हमने ई संपर्क सेंटर बनाया अपने वार्ड में जो कि आज से पहले नहीं था शहर को। अपने वार्ड में 4 पब्लिक पार्क बनाए गए हैं और हमारे वार्ड के जितने भी पब्लिक हेल्थ के इश्यूज थे, चाहे पानी हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे स्टॉर हो, उसमें हमने काम किया है। और चाहे बिजली की बड़ी समस्या थी यहाँ पे, जो बिजली लाइट है, वोल्टेज है, बड़ी कम रहती थी, तो हमने 5 ट्रांसफार्मर बड़ैल में लगवाए हैं। और पानी को लेके भी हमने एक बूस्टर बनाया गया बहुत ही अच्छा बड़ैल के अंदर, जिससे कि पानी की समस्या बड़ी कम हुई है। और कई जगह ऐसी थी जहाँ पे गंदे पानी कंप्लेंट थी, तो उसको लेके भी हमने काम किया। तो इस तरीके से हमारी कुल लागत जो हमने 5 साल पे हमने कॉरपोरेशन से डाटा मांगा था कि हमने क्या काम किए हैं, उसमें हमारे 16 करोड़ 82 लाख रुपए काम है। और हमने इसकी एक बुकलेट लॉन्च की है जो मैंने पिछले अक्टूबर के महीने में लॉन्च की थी, तब हमारा कमेटी सेंटर का एक जो काम था वो उस पर नींव पत्थर रखा नहीं गया था। तो सब जो हमारे काम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 करोड़ की थी, उस 4 करोड़ 82 लाख को मिला के 16 करोड़ 82 लाख रुपए काम है जो हमारे वार्ड में। पिछले 2 बार से बीजेपी सरकार बड़ैल में आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ काउंसलर का जो चुनाव है आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें मैं अभी जो 2016 में आखिरी चुनाव आया हूँ वहीं उस वक्त बीजेपी के आया, उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस के जो है वो रहते थे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2016 से जो। चलिए, इस दौरान हम बात करेंगे कांग्रेस के। सर, आप ऐसा है तो कुछ काम तो जो कोई कौंसिल यहाँ से बड़ा है उसको करना ही पड़ेगा, तो वो भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सबसे बड़ी यहाँ समस्या पानी को लेके है। जो पानी है ना, वो यहाँ टोटली गलियों के अंदर आप जाकर देखो तो सड़कों के ऊपर पानी घूम रहा है, कहीं ब्लॉकेज है, और वही सीवरेज का पानी जो हम पानी पी रहे हैं उसके साथ वो लाइनें कनेक्ट हुई हुई हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो बीमारियाँ फैल रही हैं। ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा ये है जो बिजली की, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बिजली की भी है। यहाँ लाइट नहीं होती और जगह जगह ये तारें आप देख सकते हैं, तारें लटक रही हैं और बिल पूरा लिया जा रहा है, 6-6, 8-8 घंटे के यहाँ कट लग रहे हैं। ये बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। और रही पार्किंग की, चारों तरफ आप जाके देख लो, सब रोड्स ब्लॉक हैं, आप देख लो कहीं पे भी पार्किंग की जगह आपको नहीं मिलेगी। और ऐसे अभी काम स्टार्ट हुआ है, अभी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल खत्म होने पे हैं, अभी काम स्टार्ट हो गया। आप गांव की हर गली के अंदर आप जाकर विजिट करो, हो सकता हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पर प्रॉपर देखोगे तो सारी गलियाँ पटी पड़ी हैं। किसी की शादी है वो भी बड़ी दिक्कत है, वो हाथ जोड़ रहा है जी अभी 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन, अब 1 महीना रह गया, 1 महीने के अंदर आप बताओ कितना काम करवा सकते। चलिए, इस दौरान हम बात करेंगे आप पार्टी के रविंद्र जी से, उनका क्या कुछ कहना है हम जानेंगे। सर, जो अभी सर ने बोला है कि आप उनकी बात से सहमत हैं? मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये अभी समस्या नहीं क्रिएट हुई बरसात के बाद में, लगातार 5 साल से ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है बड़ैल में, मैडम आप जा नहीं सकते, इस कोने से लेकर आप दूसरे कोने में आपको 1 घंटा लगेगा जाने के लिए, कई जगह आप गिर भी सकते हो, और गटर जो है ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो वायदे किए थे, जो दिखा रहे हैं 11 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ 7 करोड़, ये तो जो मर्जी दिखाई, जो 15 लाख का भी कहा था, पर ऐसा कुछ है नहीं। हकीकत पे आप जाके दिखाओ, खुद जाके देखो, मेरे साथ चलो। आप इस चीज के बारे में बताया नहीं था आपने इनको? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दी। देखो जी, ये तो बहुत बड़े 3000 करोड़ और 6000 करोड़ है, 15 करोड़ है, 15 लाख मिलेंगे, तो सारी झूठ है। आप हकीकत में मेरे साथ चलो, आप
जा नहीं सकते, बीच में से निकल नहीं सकते, तारे लटक रही हैं अंदर जो है, बहुत बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। लोग अगर मेरे यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जी, जिस दिन बारिश होती है हमें छुट्टी करनी पड़ती है, बच्चे अंदर से आ नहीं सकते, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ये बीजेपी बिल्कुल झूठ बोल रही है, इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया है, लोग नाराज हैं और इवन ओपनली कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हमने सपोर्ट नहीं करना है। सर आपका कहना है कि आपने अनेक कार्य कराए, तारों के काम हो चाहे रस्ते के काम हो, अनेक कार्य आपने कराए हैं, तो लेकिन आपकी विपक्षी पार्टी का कहना है कि वो आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, इसके ऊपर आपका कहना है? मैडम मैं यहाँ से खुला चैलेंज करना चाहूंगा अपने विरोधियों को कि आप जाए कॉर्पोरेशन में आरटीआई डाले और उससे पूछे काम हुआ है नहीं हुआ। दूसरी बात, अब आप मुझे एक बात बताइए जी, अगर किसी मोहल्ले में सीवर चल रहा है तो क्या हम उस सीवर की समस्या को दूर ना करें, वहां पे लाइन ना डालें? अगर कहीं पानी की समस्या है तो वहां पे पानी की लाइन भी डालेंगे? और अगर हम काम करेंगे तो अभी तक खुदाई भी करनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक भी होगा। मैं आपको बता दूं जी, 2017 से लेके 2021 तक मैं ओपन चैनल कर रहा हूँ कि आप जब मर्जी जाके चेक करें, और मुझे आप किसी मोहल्ले का नाम ले जहाँ पे काम नहीं हुआ। सैनी मोहल्ले में हमने सबसे पहले सीवर डाला, क्या ई संपर्क बनाना लोगों के लिए सुविधा नहीं है? क्या 4 पब्लिक टॉयलेट बनाना लोगों के लिए सुविधा नहीं है? क्या लोगों के लिए नया कम्युनिटी सेंटर बना के देना कोई सुविधा नहीं है? अगर किसी के घर एसी नहीं चल रहा तो वहाँ पे बिजली का काम करना उसको हम सुविधा दे रहे हैं, क्या ये कोई गलत काम हम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ कहे कि 5 साल में सारे काम खत्म हो जाते हैं? हमने निरंतर मेहनत और प्रयास की है और हम शुरू से लगे हुए हैं। आप जाके देखिए, मेरा वही बात है कि अब विरोधी है, उनका काम मेरे ऊपर आरोप लगाना, ठीक है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप जाके शहर के नॉर्मल हमारे वार्ड के सिटीजन से पूछिए कि क्या वार्ड में काम नहीं हुए। अगर कहीं पे पाइप छोटा है, आबादी के वक्त तो छोटे पाइप थे, अगर हम उनको बड़ा काम करके उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं सीवर को, क्या क्या ये हमें काम नहीं करना चाहिए? देखिए ये तो हमने बीजेपी के पार्षद और उम्मीदवारों से, कांग्रेस की और आप पार्टी के उम्मीदवारों से बात की, अब हम बात करते हैं जनता से, उनके क्या कुछ कहना है इसके ऊपर हम बात। मैडम पीएसपी भी तो खड़ी है यहाँ। हाँ जी सर, पीएसपी चलेगा। चलिए इस दौरान बात करते हैं। मैडम इसमें मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जनता से बात करनी है हम नॉर्मल सिटीजन से बात कीजिए, जो हमारे साथ आए हुए लोग हैं या इनके साथ आए हुए लोग हैं या पार्टी के साथ लाए हो उनसे मत बात कीजिए। मेरी ये जनता से बात करेंगे पीएसपी मेरा तो मैडम यही कहना है, जहाँ तक गाँव के काम की बात है, गाँव में जिस तरह से सेक्टरों में जो काम होता है, चाहे गांव बड़ैल या कोई भी गांव है चंडीगढ़ का, उसमें बजट चंडीगढ़ के सेक्टर से ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि गांव में ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है और हुआ भी है और बहुत ही कम हुआ। जहाँ तक कौंसलरों की बात करा मैं, विजय राणा जी थे उनके टाइम बहुत ही ज़्यादा काम हुआ, काफ़ी मतलब जो है रोड बनाए गए, गलियाँ बनाई गई, और ये जहाँ कम्युनिटी सेंटर की बात है या कोई और बात है, उन्होंने काफ़ी मतलब काम किया था। काम तो अब भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहता भी अब काम नहीं हो रहा, पर ये है कि भाई जिस हिसाब से जो बजट मिलता है, मेरे ख्याल से गाँव को बजट बहुत कम मिलता है, गाँव का बजट बढ़ाना चाहिए ताकि काउंसलर भी खुले दिल से मतलब गाँव में पैसा खर्च सके। जहाँ तक ये पार्किंग की, बिजली की, पानी की ये समस्या है और ये समस्या रहेगी, जब तक ये बजट नहीं बढ़ाया जाएगा गांव का, तब तक ये समस्या पैदा होती रहेगी। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है एमसी से, कॉर्पोरेशन से, भाई गांव का बजट बढ़ाए। अच्छा मैडम इनके थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। एक मिनट मैडम, हाउ शॉकिंग इज दिस कि आप बीएसपी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और वो जवाब कांग्रेस के मंत्री का दे रहे हैं, मुझे बड़ा शॉकिंग है डिबेट। मैं तो आपके आप ना भी दे रहा हूं, नहीं मैडम विचारों को रखना, मैं मान रहा हूं, लेकिन अब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी मुझे यही नहीं समझ आ रही। दिस इज वेरी नेसेसरी मैम, यहाँ पे आधी जनता पानी की समस्या, जो गंदे पानी है उसके कारण प्रॉब्लम है। मेरी 7-8 महीने से लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, समस्या है, वही इसका रीजन है। और मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पानी में कोई कंप्लेंट जो पानी की नहीं आई है, या पानी के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे आज हॉस्पिटल में चले जाओ, भीड़ लगी रहती है जनता की, और रीजन यही है टाइफाइड, डायरिया, ये सारी जो पानी वाटर बोर्न डिजीज है सारी। क्या लगता है अगर आप पार्टी की सरकार आती है मैडम, हम ओपनली शिकायत होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कार्य कराएंगे हम, बिल्कुल बैठेंगे जनता के बीच में, बैठेंगे हमारी ओपनी जनता के बीच में खोलेंगे, और हम 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, जो भी बजट आएगा हम सारा खोलेंगे, ये 1 करोड़ आ रहा है उसमें 50 लाख खर्च कर दिया, हम पूरा हिसाब देंगे। जनता आम पार्टी को वोट किसने करे, थोड़ा ये बताइए। देखो जी हमारी पहली गारंटी है, जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा, जो हमने सारे लोगों से हमने सर्वे करवाया, और बड़ैल के अंदर कम से कम 15-18 हज़ार ने वो फॉर्म भरे हैं। अब हमारी दूसरी गारंटी आ रही है स्वच्छ भारत की, जो चंडीगढ़ होगा दैट विल बी गार्बेज फ्री, तो वो हमारी आज मनीष सिसोदिया जी गारंटी लॉन्च करने वाले हैं। मैडम आप यहाँ पे, आप कूड़े का इतना बुरा हाल है कि आप कूड़ा कहीं फेंक नहीं सकते,
मैं ऑफिस आता हूँ 10-11 बजे, उसके बाद कोई अवेलेबल नहीं है कहाँ पे हमने कूड़ा कहाँ फेंकना है। वहाँ पे दूसरे कोने में उन्होंने लगाया हुआ है, कुछ नहीं है। आप चारों तरफ घूम के देख लो, आप भाई जा सकते हो, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी गारंटी है कि चंडीगढ़ को हम गार्बेज फ्री बनाएंगे, और जो हमारी गारंटी होती है ना, वो हमारी गारंटी होती है। केजरीवाल मीन्स गारंटी कार्ड, ठीक है ना। हमारे वायदे नहीं होते, 15 लाख मिलेंगे, ये मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, 30 लाख मिलेंगे, रेलवे बनेगी, बुलेट ट्रेन बनेगी, दैट इज नॉट। हमारे जनता के बीच में आज हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, जनता से पूछ कर मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि आपके क्या काम होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम करें। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ पे कचरे की अनेक समस्याएं हैं, तो वहीं बसपा के उन्होंने कहा कि बजट की कमी है। और अब हम बात करते हैं बीजेपी के पार्षद जी से, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, आप क्या कहें? मैडम कूड़े की बात इन्होंने की, तो मैं इनको बता दूं कि हमने इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने जो पहले ऑफिशियली था यहाँ पे कूड़ा रहता, हमने इस पॉइंट को बंद किया। आप देखेंगे दो पॉइंट ऐसे हुआ करते थे जो देश माते कॉर्नर पे थे, वो दो पॉइंट हमने बंद किए। एक ज्वाला मंदिर का पॉइंट होता था कूड़े का, उसमें RW के साथ मिलकर और हम सब लोगों ने वो पॉइंट भी बंद किया। नया एक सहर सफाई केंद्र हमने 45 दिन में बनाया जहाँ पे कूड़ा जाता है। मैडम हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी। और रही बात इनके आरोपों की, तो मैं आपको बता दूं कि ये 20,000 लीटर पानी की बात कर रहे हैं, और 20,000 लीटर पानी की जो कॉस्ट है वो 40,000। ये लोगों को जो फ्री का लालच देकर यहाँ पे आना चाहते हैं, इनका ऐसा कोई सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछले MP के चुनाव में इनका हाल देखा ही था, क्या था, बूथ में वोटों के लिए दस गए थे। और मैडम मैं इसको एक मिनट नाश्ता भी करना चाहता हूं, इनका जो हाथ, एक मिनट मैं अभी बोल रहा हूं, बीच में लास्ट टाइम इलेक्शन बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम इलेक्शन में एक बात ना बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए लड़िया, जो भी बोल रहा हूं मैंने क्या बोला है, मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी बात पूछ रहा हूं, बाद में इलेक्शन में, बाद में बोल रहा हूं, गलत बात इलेक्शन में इनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ी नहीं पिछली बार, बाजी आएगी और उनकी क्या हालत हुई थी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूंगा। और रही बात इनकी, वही पार्टी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, ये वही केजरीवाल जी जिन्होंने उनको समर्थन किया था। और रही बात दूसरी, मैं आपको बता दूं जी, हमारे वार्ड में जो है भाजपा और कांग्रेस जो है उनका ही कंपटीशन है, ये कहीं रेस में भी नहीं है, आपको मैं सच बात कहा। और ये बात आपको 24 नवंबर को इलेक्शन है, सही से काउंटिंग होगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हालत होने वाली है। अब मुझे बताइए, जब 2014 में चुनाव हुआ और गुल पनाग या मंदी आई, वो उसके बाद 5 साल से कहाँ गायब थी, मुझे जरा ये बताइए, 5 साल से किसी ने उनको शहर में देखा कि उन्होंने कोई शहर का मुद्दा उठाया हो? इन्होंने 2019 में मोहन लोगन कुटी कर दी थी, वो इलेक्शन हार के उनका कोई ऐसा पता नहीं, आज शहर में क्या स्थिति बनी हुई आप सब बेहतर जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम आम आदमी पार्टी वाले तो कुछ ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन आप यहाँ पर इनको क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि लास्ट टाइम बूथों में जो इलेक्शन लड़े MP इलेक्शन हरमोहन धवन जी आए थे हमारे, हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर सके कई कारणों से, तो कोई पार्टी एक या दो दिन या 5 साल में नहीं बनती है, सालों लगते हैं इनकी पार्टी को, पूछो इतिहास में दो सीटें आई थी पार्टी, अब जितनी आएगी हमारे पास, ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं, हमें टाइम लगा थोड़ा सा, और वी आर टोटली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। और आज चंडीगढ़ में हमारी मैडम 35 सीटों पर इलेक्शन कर रहे हैं, आप रिजल्ट देखना क्या होंगे, और रही जो काम हुआ नहीं हुआ ये तो जनता बताएगी, वोट देके क्या करेगी। अदरवाइज 12,000 फार्म उन्होंने भरे हैं जनता ने, वो किसी कारण ही भरे हैं, नहीं तो हमें आने नहीं देते। आज ये हालात है कि बीजेपी का कोई भी आता है उसको पहले नमस्कार कर देते हैं, मैं नहीं कह रहा भाई साहब, आपने सुना कि यहाँ पे आपने बीजेपी के पार्षद का भी सुनना कहा सुन लिया होगा, उसी के साथ आपने आप पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका भी सुना होगा। अब हम बात करते हैं जनता, जनता की क्या कुछ कहना है इस पे, क्या राय है उनकी, हम सुनेंगे। सर आपका क्या कहना है, आपने बीजेपी के पार्षद को भी सुना है, उन्होंने काफी यहाँ पे कार्य किए, उनका ये कहना है, तो साथ ही साथ आपने आप पार्टी के उम्मीदवारों का भी कहना सुना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हमारे टाइम में, हमने क्योंकि हमारे टाइम जब हम देखते थे कि हमारी जगह वहाँ पे मोहल्ले में पानी नहीं आ पाता था, अब बीजेपी के कारण हमारे मोहल्ले में पूरा पानी आता है, गर्मियों सर्दियों चौड़े घंटे में पानी मिलता है। दूसरा लाइन की अच्छी चल गई, सुंदर साल की वजह हो गया है और काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, सड़कें हमारे वहाँ बन गई हैं, सड़कों का बुरा हाल था, टेम्पर का बुरा हाल था, वो सब अच्छा बुरा जैसा कि आपने सुना यहाँ की जनता का कहना है, चलो अपना विचार और भी जनता से बात करेंगे, क्या आप बेटे कोई बात नहीं है, तो अपना अपना विचार है, कहीं से भी सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ी तो ये है कि चंडीगढ़ एक समय पे दुनिया अपना इंडिया का सबसे बेस्ट शहर था, उसके बाद 3 नंबर पे आया,
20 पे आया, अब 60 पे है। इससे किस मुंह से ये मुंह मांगने आ रहे हैं कि हमने सफाई करी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आज की डेट में भी ये आधारभूत सुविधाओं पे वोट मांग रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ बेस्ट प्लान्ड सिटी है। आज की डेट में तो विकास के नाम पे वोट मांगना था भाई साहब आपने, ठीक है जी। और दूसरा ये कोरोना काल में कितने पेरेंट्स ने कितने प्रोटेस्ट किए, एक भाजपा का या एक कांग्रेस का काउंसलर दिखा दो। किरण खेर को तो भूल जाओ, मिसिंग एमपी है, कभी नहीं दिखे। भाजपा और कांग्रेस का एक काउंसलर दिखा दो, एक जिसने पेरेंट्स के हक में खड़े होकर बात करी हो। चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट फायदे में जा रहा था, बेच दिया। एक काउंसलर दिखा दो जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखाओ, नहीं दिखेगा। पानी के बिल सीवरेज के 3% थे, 30% हो गए, भाई साहब कोई नहीं बोला। आज वोट मांगने आ रहे, किस मुंह से आ रहे वोट मांगने, एक नहीं। अरे रोड देख लो, कोई दिख रही है रोड लाइट लगी, नहीं दिख रही, लेकिन वोट मांगने आ रहे हैं। भाई साहब विकास करा है, आज की डेट में जगह जगह पटरे खड़े, हमारे किसी भी वार्ड में चले जाओ, आज की डेट में सड़कें पटरे, भाई साहब हमने विकास किए। विकास तो तैयार दिखाना था, आज आपने रोड पट के ये दिखाया कि आपने शुरुआत की, शुरुआत नहीं भाई साहब, हमें तो अंत किया था। अंत तो अब जनता करेगी, किसका करेगी पता लग जाएगा अभी वोटिंग। जैसा कि आपने सुना कि जनता बीजेपी सरकार ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।